90% से ज्यादा लोग इसलिए नहीं फेल होते हैं लाइफ में कि वो बहुत बड़ा सोचते हैं और उसको अचीव नहीं कर पाते हैं, वो इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वो बहुत छोटा सोचते हैं और उसको अचीव कर लेते हैं। यानी लोग लाइफ में इसलिए नहीं फेल होते हैं कि जैसा मैंने चाहा वैसा नहीं हुआ, 90% लोग इसलिए फेल होते हैं जो आपने चाहा वो हो गया, क्योंकि चाहा ही इतना सा। मान लेते हैं कि अगर मैं एक टाइम मशीन में बैठ करके पीछे चला जाऊं, 18 साल पीछे चला जाऊं, और मेरी एज भी आपकी एज के बराबर है, मान लो 20 साल की है, तो अब मैं खुद को क्या सलाह दूंगा? खुद ही को मुझे देनी हो एक सलाह या एडवाइस देनी हो तो मैं क्या दूंगा? और वो एडवाइस ऐसी होनी चाहिए जिसके बाद में जो भी मैं डिसीजन लूं अगले 18 साल में, वो सारे डिसीजन सही डिसीजन होने चाहिए। वो मैं आज देख सकता हूं, आप नहीं देख सकते। आपको पता है कि जो आप डिसीजन ले रहे हो वो सही है गलत है? वो तो 20 साल बाद समझ आएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप सिगरेट पी रहे हो तो ये डिसीजन सही है गलत है आज समझ आएगा? ये तो 10-20 साल बाद समझ आएगा ना। हाँ, ऐसे ही आज जो आप करियर चूज कर रहे हो उसकी वजह से क्या होने वाला है आपकी लाइफ में, वो आज थोड़ी ना समझ आएगा, वो तो 20 साल बाद समझ आएगा ना। देखो, मैं आपको एग्जैक्ट एग्जाम्पल देता हूं, उससे आपका माइंड क्लियर होगा। 12th के बाद में मैं अपने एक फ्रेंड के साथ में गया था, मैंने अपने किसी सेशन में बताया भी था इसके लिए, एक जॉब इंटरव्यू के लिए गया था मैं। वो मेरा पहला और आखिरी जॉब इंटरव्यू था, एक कॉल सेंटर के लिए गया था। तो वहां पे गया, मेरा पहला राउंड क्लियर हो गया था, दूसरे राउंड में मैं बाहर हो गया था। तो वहां पे जाना इंटरव्यू देने के लिए, क्या ये मेरा सही डिसीजन था या गलत था? उस टाइम पे हमको एक्चुअल में पता ही नहीं होता। ये तो मुझे आज पता है कि वो मेरा सही डिसीजन था या गलत था, वो मैं आज आपको बता सकता हूं। उस टाइम कैसे बताता? उस टाइम तो सही था, या ये कह लो उस टाइम मुझे सही लग रहा था। मैं वहां गया और पहला राउंड मेरा क्लियर हो गया, तो मुझे कैसा लगा उसके बाद में? कैसा लगा होगा? बहुत सही लगा कि हजारों में से कुछ 100-200 सिलेक्ट हुए, उसमें मैं आ गया। दूसरे राउंड में जब बाहर हो गया तब मेरे को कैसा लगा होगा? बहुत गुस्सा आया होगा। लेकिन सोचो अगर मेरा वो सेकेंड राउंड भी क्लियर हो जाता, थर्ड राउंड भी हो जाता, तो उस वक्त मुझे कैसा लगता? सही लगता है, खराब लगता? बहुत अच्छा लगता। मैं क्या बोलता कि ये मेरा सही डिसीजन है गलत डिसीजन है? बट अगर मैं आज वो डिसीजन ले लिया होता और मेरा वहां पे सिलेक्शन हो गया होता और मैं उस कॉल सेंटर में जॉब कर रहा होता, तो आज मैं जब 38 साल का होता, अव्वल तो ये सब जो भी कुछ हो रहा है ये सब कुछ होता, तो आज मैं क्या कहता कि वो मेरा सही डिसीजन था या गलत था या बहुत गलत था? अभी सही और गलत की डेफिनेशन क्या है, इसको ध्यान से समझ लेना। हर एक के अंदर एक पोटेंशियल होता है जो हिडन होता है, जो उस वक्त हमें नहीं पता होता है। क्या उस वक्त मुझे पता था कि मैं ऐसा कुछ करने वाला हूं लाइफ में 18 साल बाद? बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, लेकिन पोटेंशियल तो था, तभी तो आज यहां तक पहुंचा। और पोटेंशियल किस में नहीं होता? आप लोगों में पोटेंशियल की कमी है क्या? पोटेंशियल मतलब क्या? कि अगर आपको अच्छे से ट्रेन किया जाए, अच्छे से आपको ग्रूम किया जाए, अच्छे से आपको नॉलेज दी जाए, आपकी स्किल्स के ऊपर काम किया जाए, तो किसी भी एक की मैं बात करूं यहां पर, कोई भी हो, वो किस लेवल तक आगे जा सकता है, उसकी अपर लिमिट क्या है? जितना वो चाहे, जितना वो चाहे, या ये कह लो जितना वो चाहे उससे बहुत ऊपर। क्योंकि क्या चाहते हो आप? मैं उस वक्त क्या चाहता था कि कहीं से 10-12 हजार रुपए की नौकरी लग जाए, इतना ही तो चाहता था। कितना चाह सकते हो आप? जो आपका लेवल है आज, अगर आप इस लेवल पे हो तो आप मैक्सिमम यहां तक चाह सकते हो, यहां थोड़ी चाह लोगे। बट पोटेंशियल क्या है? यहां क्या पता नहीं कहां जा सकते हो। तो उस वक्त वो डिसीजन मुझे सही लगता, लेकिन 20 साल बाद वही डिसीजन गलत लगता। क्योंकि अभी मैंने क्या कहा था थोड़ी देर पहले, याद है वो लाइन? बड़ी पावरफुल लाइन है वो। क्योंकि 90% से ज्यादा लोग लाइफ में इसलिए नहीं फेल होते कि वो बहुत बड़ा सोचते हैं और उसको अचीव नहीं कर पाते हैं, वो इसलिए फेल होते हैं बहुत छोटा सोचते हैं और उसको अचीव कर लेते हैं, और फिर वहीं पर अटक जाते हैं, फिर जिंदगी भर वहां से बाहर नहीं निकल पाते। क्योंकि मान लो अगर मेरे को 12,000 की जॉब लग जाती तो उस वक्त तो मैं हवा में उड़ जाता, क्योंकि मेरे दोस्त वो कुछ भी नहीं कमा रहे और मैं एकदम से 12,000 रुपए आ रहे हैं मेरे पास में, तो मैं उसी के हिसाब से अपने खर्चे नहीं बांध लेता। क्या होता है, किसी भी चीज को शुरू में अगर नहीं छोड़ते ना, तो वो चाहे कितना भी बुरा हो उसकी आदत पड़ जाती है। सिगरेट में भी ऐसी होता है, दारू में भी छूटता है तो शुरू में छूट सकता है, आपने 2-4 लगाया ये वो, उसके बाद में उसी टाइम पे छोड़ दिया देख करके कि उसकी वजह से क्या होने वाला है।
फ्यूचर में आप कितनी बुरी तरह से फंसने वाले हो, उसको आज ही देख लिया कि 20 साल बाद इसकी वजह से क्या होने वाला है या 10 साल बाद क्या होने वाला है, जब मैं छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन छोड़ नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरे को लत लग चुकी होगी। ऐसी करियर में होता है कि आज आपको देखना पड़ता है कि जो मैं आज कर रहा हूं उसका 20 साल बाद मेरी लाइफ पे क्या असर होने वाला है। और अगर वो क्लियर होता है, यानी वो वजह क्लियर होती है, तो आज ही आप छोड़ देते हो उसको, नहीं तो नहीं छोड़ सकते। घर वालों का प्रेशर होगा कि इतनी मुश्किल से तो मिली है, क्यों छोड़ रहा है, करेगा क्या, खुद को भी डर लगेगा, तो आदमी कहेगा जैसे चल रहा है चलने दो। फिर कुछ टाइम बाद आपको आदत ही हो जाएगी, फिर आपका जो थॉट प्रोसेस है या जो आपकी सोच है वो इसी दायरे में सिमट के रह जाएगी, उसके बाहर आप मरते दम तक निकल ही नहीं सकते। नेवर गेट इनटू अ कंफर्ट जोन एट दिस एज। हाँ, कंफर्ट जोन जरूरी है इफ यू आर 30 ईयर ओल्ड, 40 ईयर ओल्ड, 50 ईयर ओल्ड, क्योंकि वहां कहां भटकते रहोगे, क्योंकि वहां पे आपके साथ में आपकी वाइफ भी है, बच्चे भी है, पूरी फैमिली है, सब कनेक्टेड। अभी कंफर्ट जोन में फंसने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी जरूरत से ज्यादा कंफर्टेबल हो गए तो आगे जाकर के लाइफ अनकंफर्टेबल हो जाएगी। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप क्या करते हो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप क्या छोड़ते हो। ये बातें आज मैं देख सकता हूं, आप नहीं देख सकते इन सारी बातों को। बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है अलग अलग लेवल पे, तभी आप नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हो। अगर एक लेवल से आप चिपक जाओगे तो उसके अगले लेवल पे कभी नहीं जा सकते, तो छोड़ देना होता है ताकि अगले पे जा पाओ, उसको भी छोड़ देना होता है ताकि और अगले पे जा पाओ, तभी नेक्स्ट जंप आ पाता है। वो छूटता कैसे है, जब आगे कुछ बड़ा दिख रहा हो तभी उस छोटे को छोड़ सकते हो। Wish you all the very best. Thank you so much for coming here.